रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क, अगर इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स में फाइट हो तो कौन जीतेगा? जानने के लिए अगर आप रेड हल्क या ग्रीन हल्क के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर से करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें ग्रीन हल्क की पावर की तो हल्क की कुछ बेसिक पावर हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड एंड स्टेमिना, कमाल का रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि हल्क अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जितना चाहे उतना वेट बड़ी आसानी से उठा सकता है और हल्क के ऊपर गोली बारूद मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता। और हल्क ने अपने ऊपर दार्थिंग को हरा चुका है, अपने बेटे सकार को हरा चुका है और जगन्नॉट को भी बहुत बुरी तरह से मार चुका है। चलिए बात करते हैं रेड हल्क की पावर की। तो रेड हल्क की पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्ज, स्पीड एंड स्टेमिना, कमाल का रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क की पावर भी ग्रीन हल्क से बहुत ज्यादा सिमिलर है। रेड हल्क भी ग्रीन हल्क इतनी ही स्ट्रेंथ होल्ड करता है और रेड हल्क ने एक बार थॉर का तड़ उठा के थॉर को ही मार चुका है, लेकिन वो थॉर का तड़ इसलिए उठा पाता है क्योंकि वो थॉर से फाइट करने के लिए स्पेस में ले जाता है और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वो थॉर को मार पाता है। और सी हल्क और बाकी के एवेंजर ने रेड हल्क के ऊपर एक बार हमला करा तो उन सबको अकेले ही हरा। रेड हल्क और ग्रीन हल्क में फाइट हो तो उसका विनर ग्रीन हल्क होगा। भले से इन दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है लेकिन रेड हल्क की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। रेड हल्क को जितना गुस्सा आता रहता है उसकी उतनी कमजोरी होती रहती है, लेकिन ग्रीन हल्क का ऐसा कोई कमजोरी है।